अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज का मीशो हॉल है जो ह्यूज मीशो हॉल है, इसमें आपको काफ़ी सारे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर साड़ी, कुर्ता सेट, कुर्ता शरारा सेट प्लस ऑर्गेनाइज़र। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी मीशो से परचेज़ किए हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज़र की मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी और फाइनली मीशो पे काफ़ी कम प्राइस में बढ़िया ऑर्गेनाइज़र मिल भी गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो रहेगा ही, प्लस बहुत ही ज़्यादा आपको वेराइटी इसमें देखने को मिल जाएगी। एंड गाइज, जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा, आज का वीडियो है गिव अवे वीडियो, क्योंकि 50 के सब्सक्राइबर्स काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गए थे, इस वन से पहले ही कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मैं गिव अवे अनाउंस नहीं कर पा रही थी। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं अनाउंस कर रही हूँ आपके साथ एक गिव अवे। क्या रूल्स हैं, कैसे फॉलो करना है, वो सभी आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड प्राइस क्या है, ऑफकोर्स वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सब सपोर्ट एंड प्यार किया उसके लिए, क्योंकि आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं था। एंड जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था यार इतना कुछ हो पाएगा सीरियसली, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड बहुत ज़्यादा प्यार किया है उसके लिए थैंक यू। मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ ना बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं मंथली आपके लिए गिव अवे लाती रहूँगी क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपके साथ गिव अवे शेयर करना, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए आपको भी कुछ मुझे गिफ्ट देने चाहिए, तो उसके लिए मैं मंथली अब से गिव अवे लाती रहूँगी। तो आपको हर मंथ में गिव अवे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो, जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ सभी है रीसेलिंग में। एंड सभी की जो मीशो प्राइस है, रीसेलिंग प्राइस है, मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती रहूँगी। और अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो परचेज करने में, तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ पे क्लिप दे रही हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी, गिव अवे के लिए भी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड अगर आप लेना चाहते हो तो फटाफट से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, बिकॉज होता क्या है आप एक दो दिन बाद या फिर इवनिंग तक मुझसे कांटेक्ट करते हो तो वो हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ओनली वन पीस होते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इंस्टेंट आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए लिंक से, लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप वहीं से मीशो डाउनलोड करो। एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है मेरी फेवरेट साड़ी। एंड इसका कोड मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने दिया था, मैंने उसी टाइम इसे ऑर्डर किया था, मे बी 20 डेज हो गए इसे ऑर्डर किए हुए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली थी, फाइनली मेरे पास आ गई है और अभी ये मीशो पे आउट ऑफ स्टॉक है यार, किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो ना, मैं तो इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप कोड सेव करके रखना, जैसे ही आए पिक कर लेना, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइनर साड़ी है, अफोर्डेबल प्राइस में एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, येलो कलर की साड़ी है। एंड एक येलो कलर है ना वो वाला नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है, ये अलग ही कलर है, लाइक आप बोल सकते हो ना डार्क येलो में केसरिया कलर टाइप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके की छोटी छोटी फ्रिल्सेस पे लगाई हुई है साटिन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ऊपर से बूटे की डिटेलिंग की हुई है, पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके के बूटे देखने को मिल जाएंगे, ये जरी के बूटे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जरी के थ्रेड से काम किया हुआ है और आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी ये एक पार्टीवेयर साड़ी है। एंड अभी फेस्टिवल सारे लाइनअप है तो कलर भी उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है, या फिर अगर आपके घर में शादी वादी है उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कलर है, प्लस लाइट वेट साड़ी है, पूरे दिन भर आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको ये ऑरेंजर सिल्क की साड़ी देखने को मिल जाएगी, ये है इसका आंचल। एंड आपको मैं ना एक बार ना जो वर्क है पास से दिखा देती हूँ, आप देखो वर्क की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना नीटली किया हुआ है, पूरा आपको सिल्वर एंड गोल्डन जरी के थ्रेड से ही देखने को मिल जाएगा, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। प्राइस में सभी की मेंशन कर रही हूँ, तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये जो फ्रिल्स लगी है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और ये साड़ी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और पूरी साड़ी पर आपको सेम एज इट इज़ जो है बूटे देखने
देखने को मिल जाएगी पूरी साड़ी। इसका ब्लाउज है ना आपको जो है बंदनी में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। ब्लाउज साड़ी आपको ऑरेगंजा सिल्क में है, ब्लाउज बंदनी में है। जब आप इसे स्टिच करवाओगे जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें जैसे पिक्चर में दी हुई है ना फ्रिल्स, तो आप अलग से नेट परचेज कर सकते हैं और ईजिली मार्केट में मिल जाएगा इस कलर का नेट। और एज इट इज़ उस ब्लाउज को वैसे ही स्टिच कराना, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर का बंदनी प्रिंट का इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है, जो कि आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में ईजिली आ जाएगा। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी जिसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। अब जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइज, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक डिज़ाइनर साड़ी है। प्लस इस तरीके की आपको रेड कलर में साड़ी देखने को मिल जाएगी। मैं कलर्स अब की बार वही लेके आई हूँ जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग या फिर जैसे फंक्शंस के अकॉर्डिंग बेस्ट रहे, क्योंकि रेड और येलो कलर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो उसी अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाली साड़ी आप देखोगे ना, लुक एट दिस ना, ये पूरी एक सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी है। ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में है, प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है इसकी, शायद 700-750 के अराउंड प्राइस है। तो यार बहुत बहुत अफोर्डेबल साड़ी है, डिज़ाइनर साड़ी है। तो इस तरीके की आपको ये ऑरेगंजा सिल्क में साड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरी साड़ी है ना प्लेन है, पर इसका जो बॉर्डर है ना उस पर पूरे पे आपको इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा थ्रेड वाला, जो कि काफ़ी नीटली किया हुआ है, क्वालिटी सुपर। ठीक है, आपको ये एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी बॉर्डर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। फुल लुक साइड में देखना काफ़ी अच्छा आएगा। पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी। इस साड़ी में आपको दो कलर्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे ये वाला कलर रेड कलर है जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरीके की आपको 5.5 मीटर की साड़ी मिल जाएगी ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक की। इसका ब्लाउज है ना जो इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया है, क्योंकि साड़ी का बॉर्डर है जो काफ़ी हैवी है, तो ब्लाउज बिल्कुल प्लेन दिया है। तो इससे आप वैसा ब्लाउज स्टिच करा सकते हो जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, और इसके साथ प्लेन ब्लाउज ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि साड़ी अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है। तो प्लेन ब्लाउज ही आप इसके साथ पेयर अप करना, तो 90 सेंटीमीटर का जो कि आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में ईजिली आ जाएगा जब आप इसे स्टिच कराओगे। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी। ये साड़ी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, एंड मीशो पे अभी अवेलेबल भी है, तो डेफिनेटली ले लेना, बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी उसके बाद, तो पता नहीं कब आएगी, तो ले लेना। एंड अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का कुर्ता सेट। इस तरीके की आपको एक जिप कवर में देखने को मिल जाएगा। एंड यार ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी रिच लुक है इस वाले कुर्ता सेट का, तो मैंने इसे पिक कर लिया। ये वाला कुर्ता सेट बहुत ही प्यारा है, प्लस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, एंड इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने पिक कर लिया। मुझे कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसका जो फैब्रिक है वो साटिन और सिल्क फैब्रिक मिक्स में है। साटिन तो उसमें बहुत कम यूज़ किया है, पूरा सिल्क फैब्रिक है, इसके कारण इसका लुक है बहुत ज़्यादा रॉयल, एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की आपको इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। स्लीव्स पे आगे आप देख सकते हो ना, कुछ इस तरीके का इसमें कटवर्क टाइप का जो है डिज़ाइन किया हुआ है, राउंड राउंड वाला। तो इस बार इसमें लाइनिंग वगैरह सब कुछ अटैच है, स्ट्रेट कुर्ती है, लेकिन इसमें आपको साइज ओनली दो ही मिलेंगे, एक्सल और डबल एक्सल अवेलेबल है, साइज ही दो है इसमें। तो एक्सल डबल एक्सल वालों की तो ईजिली आ जाएगा, लेकिन जो स्मॉल एम और एल साइज में है, तो वो आप एक्सल साइज ले सकते हो, आराम से ऑल्टर करा सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है, वर्क भी नहीं है, तो ईजिली ऑल्टर हो जाएगी। तो इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती देखने को मिल जाएगी। ये कुर्ता सेट भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, किसी भी फंक्शन के लिए, फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस अभी है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। एंड इसकी जो पैंट है ना वो भी आपको इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, इलास्टिक वाली पैंट है, सेम फैब्रिक है इसका भी, और अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है। इसका भी फैब्रिक है जो साटिन और सिल्क फैब्रिक है, इलास्टिक वाली है, तो इजीली आपके आ जाएगी। इसको आपको ऑल्टर कराने की नीड नहीं होगी, बस जस्ट आपको जो है कुर्ता ऑल्टर कराना पड़ेगा। एंड इसका जो दुपट्टा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ इस तरीके का आपको पूरा फ्लोरल प्रिंट में दुपट्टा देखने को मिल जाएगा ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में। पैंट और कुर्ता है ना बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है, लेकिन इसका दुपट्टा इसके लुक को हाईलाइट कर रहा है। एंड मेरा तो रीज़न भी यही था परचेज करने का, इसका दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इस तरीके की आपको इसमें लेस देखने को मिल जाएगी, और ये मिरर्स इसमें लगाए हुए हैं, फॉयल मिरर्स हैं चारों तरफ। दुपट्टे पे जो प्रिंट किया हुआ है फ्लोरल प्रिंट, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फुल लुक और प्राइस आप एक बार देख लेना, पूरा 2.25 मीटर का आपको इस तरीके का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। लेंथ काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक है ऑरेंज सिल्क, तो दुपट्टा ये बहुत सुंदर लगेगा लगाने के बाद। पूरा जो
सूट है उसका प्रॉपर लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा, कंप्लीट लुक। और आप इसे सिल्वर ज्वेलरी या गोल्डन ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकते हैं, काफी ज्यादा सुंदर लुक आएगा। अब नेक्स्ट आउटफिट दिखाने से पहले जिसका आप सभी को इंतजार था गिव अवे, तो उसके रूल्स मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ गिव अवे शेयर करने के लिए। एंड इसकी जो गिव अवे रूल्स है उसको बताने से पहले मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। प्राइस है 500 रुपीज के 3 वाउचर। मैं 3 विनर्स अनाउंस करूंगी, विनर मिलेगा 500 रुपीज का वाउचर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस भी शॉपिंग ऐप का वाउचर मुझसे लेना चाहते हो, लाइक Amazon, Myntra, किसी का भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 3 विनर्स अनाउंस करूंगी एंड तीनों को 500 रुपीज के वाउचर मिलेंगे और उससे आप कुछ भी अपने मन पसंद शॉपिंग कर सकते हो। जो फर्स्ट रूल है वो ये है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, दैट्स इट। सेकेंड है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि आप अगर कंप्लीट वॉच नहीं करते हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है आपने मेरी वीडियो को कितना वॉच किया है, तो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। थर्ड जो रूल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को उतने ज़्यादा आपके विन होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट जो है 15 डेज है। मैं गिव अवे के जो विनर्स हैं मंथ के लास्ट में अनाउंस करूंगी और ऑलमोस्ट आपके पास 15 डेज है, तो आप जितना शेयर करना चाहें कर सकते हो। एंड उनसे भी वीडियो को लाइक करवाना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है विद बेल आइकन, और उन्हें भी कमेंट करना है कि वो किसके थ्रू मेरे चैनल पे आए हैं, तो वीडियो के नीचे उन्हें कमेंट करना है, तब भी आपका ये जो है थर्ड रूल कंप्लीट होगा। देन आपको इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ पे क्लिप दे रही हूँ, अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें। एंड जो नेक्स्ट और लास्ट रूल है वो ये है कि इस वीडियो के नीचे आपको कॉमेंट करना है कि आपको आज की कलेक्शन में से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा, एंड सब कुछ रूल्स डन हो जाने के बाद आपको कॉमेंट करना है डन, दैट्स इट। ये 5 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं एंड इसके बाद मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगी, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। हर वीडियो पे कमेंट करो, चाहे वो गिव अवे वीडियो है या नहीं है, बिकॉज जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो कमेंट करते हैं एंड उससे ही मुझे पता चलता है कि वो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है एंड उनके गिव अवे में विन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तभी पता चलता है जब आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो या फिर आप फॉलो करते हो, सब्सक्राइबर्स हो। तो यार मेक श्योर आप हर वीडियो के नीचे कॉमेंट करें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ, जो कि ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता शरारा सेट है, इस तरीके के जिप कवर में देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस कुर्ता शरारा के लिए ना रिक्वेस्ट भी आ रही थी, प्लस चिकनकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी चिकनकारी कुर्ती, चिकनकारी गाउन, कुर्ता शरारा ऐसा कुछ शेयर करो। एंड ये काफ़ी खूबसूरत सा कुर्ता शरारा मुझे मिल गया मीशो पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा है ये वाला कुर्ता शरारा। इसको मैं आपको खोलने से पहले ही हाईली रिकमेंड करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, मैंने स्मॉल साइज पिक किया है इसमें, और ये पूरा चिकनकारी में आपको देखने को मिलेगा। लुक एट दिस ना, पूरे पे चिकनकारी का वर्क किया हुआ है एंड इसमें आपको यहाँ पे जो है सीक्वेंस भी देखने को मिल जाएंगे ट्रांसपेरेंट वाले, जो कि शाइन कर रहे हैं। लुक एट दिस, ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतनी अच्छी क्वालिटी आई है। कलर है इसका प्रॉपर वाइट कलर नहीं है, बेस शेड में है, प्रॉपर अंदर आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती देखने को मिलेगी। शॉर्ट कुर्ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है एंड इसमें जो है स्लीव्स नहीं है, आपको स्लीव्स लगवानी है तो आपको अलग से मार्केट से स्लीव्स का फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा, देन आप इसमें स्टिच करा सकते हैं। इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी प्यारा एंड एलिगेंट सा कुर्ता शरारा सेट है एंड पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। फुल लुक साइड में देखना, प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एंड कुछ इस तरीके का इसमें बहुत ही प्यारा सा शरारा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, ये भी पूरा चिकनकारी शरारा है, एक ये हैवी ड्रेस है किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन के लिए, फेस्टिवल के लिए एंड ये
प्रॉपर जो है व्हाइट कलर भी नहीं है, बेस शेड में है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका शरारा आपको इलास्टिक वाला देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। स्ट्रेट फिटिंग में है ऊपर से, लुक एट दिस, पूरे पे जो है सिक्वेंस लगाए हुए हैं। नीचे की साइड आपको इस तरीके का फ्लेयर देखने को मिल जाएगा एंड इस तरीके का चिकनकारी का काम किया गया है, काफी नीटली काम किया है। पूरे पे अंदर आपको एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, काफी ज्यादा अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट ड्रेस है ये वाली। दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा है, इस तरीके का आपको 2.25 मीटर का जॉर्जेट फैब्रिक में दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है सिल्वर गोटे की डिटेलिंग की हुई है बॉर्डर पे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है एंड इसका लुक भी पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छा आएगा। इसकी ना प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। पूरा चिकनकारी का काम किया हुआ है, पूरे पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, फुल एक हैवी ड्रेस है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वर्थ इट है। तो डेफिनेटली आप इसे बाय करना, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई ना तो फिर री स्टॉक नहीं होगी। एंड आप अगर कोई कुर्ता शरारा लेना चाहते हैं एलिगेंट सा, तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। और चिकनकारी के जो कुर्तीज है, कुर्ता शरारा है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब नेक्स्ट आते हैं ना ऑर्गेनाइजर की तरफ। इस तरीके की आपको ये ऑर्गेनाइजर देखने को मिल जाएंगे। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, एक सिंपल ऑर्गेनाइजर जो कि इस तरीके का है, आप बोल सकते हो लाइक ऑर्गेनाइजर है, स्टोरेज बॉक्स है, कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाएगा। मिक्की माउस वाले पैटर्न में मैंने इसे पिक किया है। लुक एट दिस, कुछ इस तरीके का है ये वाला। यार मीशो पे काफी कम प्राइस में है और एप्स पे आप देखोगे ना काफी ज्यादा कॉस्टली है ऑर्गेनाइजर। एंड इसमें ना कुर्तियां वगैरह आप इजीली रख लो, कुर्ती रख लो, कुर्ता सेट रख लो, मतलब जीन्स वगैरह रख लो, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, जिसमें काफी सारे कुर्तीज कुर्ता सेट आ जाएंगे। प्लस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा लगा मुझे ये वाला, तो मैंने पिक कर लिया। और ये ऑर्गेनाइजर है जो रीसेलिंग में नहीं है, ये मैंने अपने लिए पिक किए हैं कुर्ती कुर्ता सेट रखने के लिए, क्योंकि इतने सारे जो है प्रोडक्ट हो जाते हैं तो यार उन्हें मैनेज भी करना होता है, तो उसके लिए मैंने ये परचेज किए हैं। एक था थ्री का सेट वहां पे, तो सेम कलर में आप थ्री ले लो या फिर अलग अलग कलर में आप थ्री ले लो। मैंने जो डिफरेंट कलर थे ना, मैंने जो अलग अलग कलर थे ना थ्री, उसमें ये थ्री का सेट पिक कर लिया। इसमें आपको एक रेड कलर देखने को मिल जाएगा, एक बेज कलर है और एक है जो ब्लू कलर है। तीनों पे प्रिंट भी अलग अलग किया हुआ है एंड साइज बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजर का। इसमें आपको स्क्वायर शेप भी देखने को मिल जाएगी मीशो पे, तो स्क्वायर शेप वाले लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने स्क्वायर शेप वाले नहीं लिए, मुझे इस तरीके के चाहिए थे एंड कुछ इस तरीके के आपको ये देखने को मिल जाएगा। लाइक इस तरीके से नहीं, फोल्ड होके आते हैं इजीली। और अंदर अंदर का जो फैब्रिक होता है ना, वो इसमें जो है कार्डबोर्ड ही लगाया हुआ होता है, टाइट वाला कार्डबोर्ड, ऊपर से फैब्रिक लगाया हुआ होता है और ये अलग से आता है। इसको आपको इसके अंदर डाल के फिट करना होता है एंड देन इस तरीके की शेप आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लुक एट दिस, कुछ इस तरीके का आपको ये वाला फर्स्ट ऑर्गेनाइजर देखने को मिलेगा। सेकंड वाला है जो रेड कलर में है, थर्ड वाला है जो बेज कलर में है। काफी सारे ऑर्गेनाइजर और भी परचेज किए हैं, वो धीरे धीरे आएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस ये था आज का मीशो हॉल। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आगे आपको बहुत सारे गिव अवे मिलने वाले हैं, हर मंथ में मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। एंड आज के वीडियो में से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको, कौन सा प्रोडक्ट लगा, कॉमेंट करके बताना। प्लस अगर और कुछ देखना चाहते हो मीशो से, वो भी कमेंट कर सकते हो। मुझे पसंद आएगा, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।